हेलो दोस्तों, तो आज हम केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में चार कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट दोस्तों, जो बहुत ही बड़ा फैक्ट है मेरी नजर में, कि कोलार दूसरा ऐसा टाउन था एशिया का, टोक्यो के बाद, जापान में टोक्यो के बाद कोलार दूसरा ऐसा टाउन था एशिया का जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचाई गई थी, क्योंकि जो गोल्ड माइंस थी वहां पर ऑपरेट करने के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनरी यूज की जाती थी और इस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी तो दूसरा फैक्ट भी निकल के आया कि वहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप किया गया। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप किया गया था, ये इसी इंटेंशन से किया गया था कि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी केजीएफ फील्ड्स में या फिर कोलार गोल्ड फील्ड्स में सप्लाई करी जाए जहां पर की मशीन्स ऑपरेट करती हैं। तीसरा फैक्ट, कोलार को मिनी इंग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड से जो गोल्ड निकलता था वो ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड में और वो उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था इंडिया से। तो काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स ने मूव कर लिया था कोलार में और वो वहां पर बंगलोज में रहते थे, और इस दौरान जो इंडियन वर्कर्स थे कोलार में उन्होंने काफी ज्यादा ब्रिटिश कल्चर एक्वायर कर लिया था और वहां पर जो है उस जगह को मिनी इंग्लैंड का नाम दिया गया। चौथा फैक्ट, दुनिया का सबसे पहला न्यूट्रीनो डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट भी कोलार में ही किया गया था। अगर आप लोग नहीं जानते कि न्यूट्रिनो क्या होता है, तो न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है पर इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा होता है मास में और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसको देख पाना या इसको डिस्कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको डिस्कवर करने का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1964 में, वो भी कोलार गोल्ड फील्ड्स में ही हुआ था। और ऐसे ही कुछ फैक्ट जानने के लिए फॉलो करिए आरडीजी एजुकेशन को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। थैंक यू दोस्तों।